नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भारत देश सांस्कृतिक और धार्मिकता के आधार की शिला पर विराजमान देश है। यहां पर सभी त्योहार बड़े ही धूमधाम और सौहार्द एकता के साथ मनाए जाते हैं। इसी कड़ी में श्रावण मास की पूर्णिमा से शुरू हो रहे सावन पर्व पर मंदिरों में विशेष पूजा पाठ करने के लिए भक्तों का तांता नजर आया। इस वर्ष श्रावण मास आयुष्मान के रूप में फलदायिनी नक्षत्रों के भक्तों को विशेष फल प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश के हृदय स्थल इंदौर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष पाठ पूजा का आयोजन मंदिरों में रखा गया है। श्रावण मास की शुरुआत होने से भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पंडित ज्योतिष आचार्य का कहना है कि इस वर्ष श्रावण मास काफी फलदायक मास के रूप में आया है, क्योंकि महामारी के बाद ये मास आयुष्मान के रूप में प्रकट हुआ है, जिसके कारण महामारी के बाद अब इस वायरस को समाप्त करने के लिए काफी वरदायिनी माह के रूप में आया हुआ है इसलिए इस माह में भगवान शिव की पूजा करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलेगी। श्रावण मास के प्रारंभ को लेकर के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का और कुछ आचार्यों का कहना है कि गुरु पूर्णिमा के साथ ही श्रावण मास प्रारंभ हो जाता है, और यूं देखें तो पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा तिथि, तो कल गुरु पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा तिथि तो लग जा रही है, लेकिन परसों रविवार को 25 जुलाई को प्रतिपदा तिथि सूर्योदय काल में रहेगी, इसलिए परसों श्रावण मास का पहला दिन ऐसा माना जाएगा। उस दिन रविवार है और आयुष्मान योग बन रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रावण का जो प्रारंभ हो रहा है वो आयुष्मान योग से, आयुष्मान अर्थात आयुष्य को बढ़ाने वाला योग। तो इस समय जो हम कोरोना की तरंगों को देख रहे हैं, कोरोना काल को देख रहे हैं, तब ऐसे में भगवान शिव जो महाकाल है और मृत्युंजय है, उनकी उपासना इस आयुष्मान योग से यदि हम प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे आयु स्वास्थ्य का संरक्षण करने वाला यह समय हमारा बन सकता है। श्रावण मास में मुख्य रूप से भगवान शिव की उपासना की जाती है। इस बार 4 सोमवार आ रहे हैं, और इसके बाद में जो 2 सोमवार की हमारी सवारी जो महाकाल की होती है, तो उसके पीछे कुछ एक ऐसा लॉजिक है कि दक्षिण परंपरा के अंतर्गत कृष्ण पक्ष से पंचांग महीने को मानता है, तो उस समय अगले 2 जो सोमवार आएंगे वो सोमवार उत्तर भारत की दृष्टि से तो भाद्रपद मास रहेगा, किंतु दक्षिण भारत की दृष्टि से वहाँ के पंचांगों की गणना के अनुसार उस समय श्रावण मास रहेगा। इसलिए ऐसे 6 श्रावण मास आ जाते हैं, श्रावण के सोमवार रहेंगे, और उसमें भगवान शिव, भोलेनाथ, बाबा महाकाल नगर भ्रमण करेंगे। कैसे करते हैं वो सब प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।